गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट एपिसोड में यहाँ पे हमने खत्म किया था, जहाँ पे हम अपने चाय पीने के लिए दोनों भैया के साथ, जिनके साथ हम जा रहे हैं गुड़गांव MGF टोयोटा, और हमने दोस्त भी बना लिए भैया को, और भैया को भी बना लिया। भैया को बताया, भैया शुगर कम शुगर, ये देखा, दिन भर बैठ के मैंने भैया को बता दिया कि शुगर नहीं। और बाकी यहाँ से अपन कितना टाइम लगेगा भैया पहुँचने में? हाँ, से गुड़गांव तक की अपनी जर्नी बड़ी एडवेंचरस रहने वाली है। मैं तो भैया को बोला कि भैया बाई चांस मेरे को नींद आएगी, पीछे गाड़ी में जाके सो जाऊंगा। नहीं, हाँ, खिड़की खोल के सो जाऊंगा। तो फिर चलाएगा कौन? घंटे के लिए। अच्छा, घंटे के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको नहीं आता चलाने? नहीं। अच्छा, मेरे को आता भैया, मेरे को दे देना। नहीं, चला तो मैं लेता हूं। मेरे को आता है भैया, कह रहे हैं एक तो खुद की गाड़ी टो करवा के ले आ रहा है, कह रहे हैं मेरे को चलाने दे देना। हाँ, मैं चला लूंगा आपकी गाड़ी भैया, कोई टेंशन नहीं है, बट नींद में मत चलाना। हाँ, नींद में तो बिल्कुल नहीं भैया, नींद में तो मतलब मौत का घर है। और आज तो मैं एक बार देख चुका हूँ, जो जिन ओनर हैं उनको 25,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया पेटीएम, बाकी तो जो वहाँ पे होगा उसका हिसाब किताब अपने बाद में करेंगे। चाबी हमने गाड़ी की अपने पास रख ली है, और हमने भैया के साथ आगे, भैया मैं कैमरे से ऐसे बात करता रहूँगा ना, आप भी बोर नहीं होगे, आपको भी बोर नहीं होते, हंसी मजाक करते हुए चलेंगे। हाँ भाई भाई जैसे। बोलो श्री अम्बे मात की जय, माता रानी हमारी जर्नी सक्सेसफुल करना, अच्छी करना। चलो भैया, अब आप तुम्हारे हवाले वतन साथी हो और क्या। हमने खड़ी है ना भैया, हाँ। उस समय वो दौड़ के आई, यूपी में। अच्छा, ये यूपी आ गया? हाँ, यूपी। अच्छा, एमपी और यूपी इतना ही? ओके, इसके बाद आएगा फिर राजस्थान आएगा। तो भैया यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, देखो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। हम क्या है कि गाड़ी से उधर से निकल जाते हैं साइड से, बट अगर आप ट्रक से आ रहे हो तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ये आरटीओ है ना, यूपी का आरटीओ, तो ये बॉर्डर है। हाँ, तो यहाँ पे यूपी का बॉर्डर। अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक कराना मैंडेटरी है। यहाँ पे कुछ पैसा भी लगता है? यहाँ पे कितना पैसा? 30 रुपये यहाँ कटेंगे और फिर वहाँ देखते हैं वहाँ कितने देती है। अच्छा, मुझे लगा ये ट्रक उधर जाएगा, इन्होंने तो इधर ही मुड़ लिया। इसका देखो दोनों टायर मुड़ रहे हैं ना। हाँ, आगे हाँ, और पीछे दोनों। हाँ, 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 दोनों मुड़ते। गाय देखो यहाँ कितनी सारी गाय है, गौ माता। भाई एक जगह साइड में बैठ जाया करो गौ माता प्लीज। भाई भैया को भी हम चैनल सब्सक्राइब करा रहे हैं, ताकि भैया को भी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, आप लोग सब भी ऑन कर दो, ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें। ठीक है भैया, ये बाद में देखना, चलाते वक्त मत देखना। ओके, भैया कह रहे हैं कि कल 4 दिन पहले तक तो मैं कार चलाता था। मैं कह रहा भैया क्यों फाड़ रहे हो? कह रहे 4 दिन पहले तक तो मैं 4-व्हीलर चलाता था, अब 4 दिन से ही मैं ट्रक चला रहा हूँ। मैंने कह रहे भैया भैया अब तो रात भर नींद नहीं आएगी, आपने नींद उड़ा दी। पहले मेरे गाँव पर ट्रैक्टर चलाता था मैं। अच्छा, हाँ, फिर मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मैं अपने ही नॉलेज से सीखा हूँ। अरे क्या बात है भैया, आपको भी ड्राइविंग पसंद है? हाँ, मेरे को भी ड्राइविंग पसंद है। हाँ, इसमें ये क्या होता है? ये ब्रेक, हैंड ब्रेक। अच्छा, ये हैंड ब्रेक है इसका। अच्छा, देखो भाई ट्रक में हैंड ब्रेक ऐसा होता है। और ये लाइट? नहीं, लाइट ये है इस साइड जो कार में होती है ना। हाँ, 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 वही वाला सिस्टम। अच्छा, वही वाला सिस्टम है। हाँ, ये वाला स्टेरिंग का है ना, जो ऊपर नहीं। अच्छा, आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सको, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। नॉर्मल, इसमें एसी वेसी नहीं आता है, नॉर्मल हवा, पंखा है बस। बस पंखा है, एसी नहीं आता, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है यहाँ पे। तो अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो आप कैसे करते हो? इसी से करते? अच्छा, इसी से कर ले, तो 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट से। माता रानी की यहाँ पे फोटो है, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। यहाँ हमने कुछ पानी के बॉटल्स रखे हैं, एक ठंडा पानी का बॉटल मैंने लिया था, दो मेरे गाड़ी में भी पानी है, तो अगर निकालना होगा तो वो निकाल लेंगे, क्योंकि पानी तो मैं बहुत पीता हूँ। भैया को सबसे पहले मैं बोला, भैया मैं बहुत जगह आपको बोलूंगा, भैया सुसु करवा दो। अरे मैं भी जाता हूँ। अच्छा, आप भी जाते हो, आप भी पानी पीते हो, बहुत सही बात। दोनों भाई साथ में चलेंगे, अपना अपना करेंगे, लेकिन ठीक है। मतलब जितना मैं डर गया था ना आज, इतना ज्यादा, अगर इसके पहले वाला व्लॉग देखा जब ये एक्सीडेंट हुआ और मेरी हालत क्या थी, एग्जैक्टली मेरे एग्जैक्ट इमोशंस थे। और अभी ठीक है, अभी हो गया, अब क्या करे, उसको सोच सोच के क्या ही करे, हार्ट बीट बढ़ाए, अपना सर पकड़ के बैठे रहे कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया। तो यार लाइफ में ये नहीं करना, स्ट्रेस जितना कम से कम होना उतना कम से कम स्ट्रेस लेना। बहुत सारी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बट उन सबको साइड करके ना एक नॉर्मल पेस से चलते जाना है। क्या भैया? सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने नहीं किया वो भी कर लेना। बिल्कुल, भैया ने बोला है, आप कम से कम मेरी नहीं तो भैया की बात मान लो। यहाँ पे वेट होता है, गाड़ी कितना वजन है उसका, वो चेक होता है। तो अलग अलग गाड़ी, एक एक बार में एक ही गाड़ी निकलती है, और अगर वेट ज्यादा होता है फिर
एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा एक्स्ट्रा चार्ज, ऐसे कितना वेट है इस गाड़ी का, कितना ले जा सकते हैं हम? जैसे 2 टन के आसपास तो मेरी गाड़ी का हो गया, और आप 3-4 टन चला जाता है। 4 टन चला जाता है, ओके। तो यहाँ पे अभी वेट टेस्ट होगा, फिर पता चल जाता है कितना एक्स्ट्रा है। तो अभी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरी गाड़ी, मतलब इचर का ये ट्रक है, इस पूरी गाड़ी का टोटल वजन कितना रहा है। कौन सा मॉडल है भैया ये? आईसर मॉडल, अभी बता रहा। अच्छा, ये ट्रक ऑलमोस्ट चल चुका है 1,73,379 किलोमीटर। अब ये कितना ओरिजिनल है कितना नहीं, वो स्पीडो पे मैंने देख के आपको बताया। अब यहाँ पे अपना ये होगा। अच्छा, आप सीधे निकल जाना है, यहाँ रुकना है। अच्छा रुकना है, अच्छा फिर तक आगे दिखाना है। यहाँ पे कागज दिखाना पड़ता है, निकाल के देख। तो यहाँ पे हमें एक रिसिप्ट मिला, ये रिसिप्ट है जिसमें गाड़ी का पूरा वेट वगैरह दिया हुआ है। तो वेट आ रहा है 7490 kg, ये 7490 kg आ रहा है गाड़ी का अभी पूरा वेट। और ये रिसिप्ट अपने पास ही रखना है। तो भैया आपकी अमानत, हाँ ये ज़रूरी है, आगे कहीं पुलिस पुलिस चेक करे तो ये रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा। तो अब हम धीरे धीरे करके इधर से निकल रहे हैं, एक पूरा पैच बना, जैसे फ़्लाइट जाती है ना, फ्लाइट में जो बस छोड़ने जाती है वो टेढ़ा मेढ़ा जाती है, सीधा सीधा फ्लाइट के पास नहीं जाती है। तो वैसे ही हमें मेन हाईवे तक आते आते एकदम, यहाँ भी बहुत सारी गाय है एमपी में, बहुत गाय है, बहुत गाय है, बहुत। और ये हमारा फ्लोर है, यहाँ पे जैक वगैरह पाना वगैरह सब चीज़ रखा हुआ है। तो इसमें आ रहा, अच्छा पत्थर भी है यहाँ पे कहीं गाड़ी ऊपर नीचे ना हो तो। अच्छा बस यहाँ पे स्टैंप देखते हैं कि स्टैंप लगा है कि नहीं। अच्छा कुछ पैसा वैसा नहीं लेते हैं। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ भैया। चलो अपना स्टैम्प हो गया, अब यहाँ से यूपी में इंटर कर गए हम। अब यूपी चलेगा अब पूरा, झांसी, यहाँ से झांसी, उसके बाद फिर एमपी इंटर करेंगे ग्वालियर की तरफ। देखना भैया गाय बचा के कोई किसी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन से गाड़ी से डर के भाग जाए ना, गाय डर जाती है ना गाड़ी। क्या है, हम लोग गाय गाय में जलते हैं रोज। अच्छा हाँ, आपको रोज 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 किसी भी रोड पर जाओ गाय गाय में जलते हैं, पूरा गाय ही रहते हैं हमेशा। दिल्ली नहीं, मस्त हॉर्न है ना आपका। हाँ एक बार बजाना भैया। अरे वाह, यही लगवाऊंगा मैं, यही लगवाऊंगा फॉर्च्यूनर में। आपने छठा गियर डाला या न्यूट्रल डाला? न्यूट्रल डाला। अच्छा ऐसे करके डीजल बचता है। हाँ ये सही है, अच्छा स्पीड मेंटेन करके अगर रोड खाली है तो भैया ने न्यूट्रल डाल दिया ताकि आपको ना डीजल भी सेव करना है। प्लस आज मौसम बहुत अच्छा है, मतलब आज दिन भर क्लाउडी रहा और अभी तो बिजली भी कड़क रही है, तो हो सकता है कि हमें बारिश देखने का भी मौका मिल जाए। क्या बोलते हो भैया, बारिश आएगी? आएगी आएगी ना, हाँ आ सकती है मौसम। जानवर नहीं मिलेंगे। अच्छा जानवर भाग जाते हैं? वही गाड़ी उठा के ले गए थे हम लोग। अच्छा कल आप गाड़ी उठा दें, कल वो जो एक्सीडेंट हुआ था ना, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी मोटरसाइकिल। हाँ मोटरसाइकिल से। हाँ हाँ यहाँ पे हम रुके हैं, हैंड ब्रेक सीख गया ना मैं। यहाँ पे हम रुके हैं, क्यों रुके हैं? यहाँ पे हमें गाड़ी का वो चेक करना है कि स्ट्रैप कोई ढीला तो नहीं हुआ, तो भैया सारे स्ट्रैप चेक कर लेंगे, सब ठीक है? हाँ ठीक है ना सारा स्ट्रैप। ये वाला जो स्ट्रैप है ना ढीला हो जाएगा तो गाड़ी पीछे जा सकती है, तो इसको भैया यहाँ से कस देते हैं, इसको उठा उठा के इसको कस देते हैं। बाकी सारा टाइट ही है, ये देखो पूरा टाइट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ऐसे धनों, उसकी किस्मत ही ख़राब है साला मेरे पास आ गई। हाँ या मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इसमें चला गया। हाँ क्या, दोनों में से किसी एक की तो किस्मत ख़राब या अच्छी है। भाई हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और मौसम और ठंडा हो गया है, तो अच्छा है, एसी की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है, नेचुरल एयर में चल रहे हैं एकदम मस्त। अच्छा खिड़की से हवा आ रहा है एकदम आराम, तीनों भाई लोग अपन बैठे हैं, वाइपर चल रहा है आराम से, और बस ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो ताकि खिड़की बंद करने की नौबत ना आए, ऐसे ही हल्का फुल्का चलता रहे बारिश, हल्की वाइपर चलती रहे और मस्त अपनी जर्नी कट जाए। अभी फ़िलहाल झांसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ललितपुर क्रॉस किया है तो ललितपुर के बाद झांसी आएगा।
बहुत तेज हो गया ना। बारिश में ना अलग से दिख रहा है यार, ऊपर बैठ के ना एकदम ही अलग सा दिख रहा है। मतलब गाड़ी की आदत है ना, और ये ट्रक में मतलब इसमें इतने बड़े गाड़ी में बैठे हैं, एकदम हाइट पे ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ हवा में ही चल रहे हैं। भैया को मैं कह रहा हूँ भैया आराम से चल लो, आज मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। तो भैया ने बोला बेटा आपकी किस्मत आज बहुत अच्छी है। मैंने कहा हाँ ये भी बात है कि किस्मत अच्छी है, लेकिन फिर भी यार बारिश में विजिबिलिटी कम हो जाती है, गाड़ी स्किड करती है और गाड़ी स्लिप करती है, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। मे बी शायद इस वजह से मैंने भैया को बोला, बाकी भैया अच्छा चला रहे बहुत। तो भाई पेपर है, ड्राइवर सर चला रहे हैं, तो इधर से हम थोड़ा बहुत पेपर से ये साफ कर दे रहे हैं ताकि भैया को विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा सुसु, हाँ कर सकते हैं सुसु, तो जितना करवा लो उतना कर लूंगा मैं टैंकर हूँ ना। हाँ पानी पीते तो भैया हंस रहे, कह रहे अरे कैसी बातें कर रहा है ये, ऐसी बातें करते हैं भैया, आपको सोने नहीं दूंगा, आप टेंशन मत लो। अरे यार इसमें अब इतना लाइट जला, पहले तो कुछ नहीं जल रहा था इसका, वो क्या है कि फ्यूज वगैरह है जो। अच्छा उड़ गया है। उड़ गया है। अच्छा चलो भाई, लाइट भी कुछ नहीं जल रहा, इंडिकेटर भी नहीं जल रहा। इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है। अरे भैया आप, भैया आप तो ना टाइम टू टाइम और डराते जा रहे हो ना। मजे ले रहे भैया पूरा मेरे। हम फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं इचर प्रो 1059 XP में। अब ये कितने सीसी का इंजन है क्या है वो तो मेरे को गूगल से, प्लस ये BS6 गाड़ी है, मतलब ये BS6 इंजन है इसमें। और ये रहा अपनी गाड़ी, मतलब अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है इससे ट्रैवल करने में। दो सीट्स उतने कंफर्टेबल नहीं है, एकदम खड़ा बेंच सीट है, मतलब जैसे आप अगर इसुजू या हाइलक्स में, हाइलक्स जो भी है उसमें आप ट्रैवल करो ना पीछे वाले सेकंड रो में बैठ के, तो एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा है मेरे को कि इसुजू या हाइलक्स में ट्रैवल कर रहे हैं, हीलक्स में जो भी है। बाकी भैया अपना 60-70 का स्पीड मेंटेन कर रहे, बट जब भी पानी आ रहा है ना भाई, जब उड़ के शीशे पे आ रहा है ना, वाइपर प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पा रहा है, और मेरे को सामने दिख रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें ना बड़ी अलग है। देखो अब इंडिकेटर जलने लगा, पहले नहीं जल रहा था, तो कुछ तो है भाई। बाकी यहाँ पे इसके पीछे लाइट्स लगे हुए हैं, ये अपने गाड़ी पे लाइट्स आ रहा है, ये पीछे लाइट्स लगे हुए हैं, और ये इसका यहाँ पे विंच है जो अपनी गाड़ी को होल्ड करके भी रखा है, यहाँ पे अपनी गाड़ी होल्ड है, प्लस इससे भी हमने बांधा हुआ है। हर टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना है ताकि ये लूज़ ना हो, अदरवाइज़ पता चला कि गाड़ी पीछे कहीं रह गई और हम निकल गए आगे। बाकी इसमें कितने इंचेस का टायर है भाई, टायर साइज़ का है? अच्छा 8.25 R16, ये पता नहीं क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। 8.25 R16, 16 इंचेस के टायर हैं, पता नहीं R16 तो 16 इंचेस ही हुए, हमारे में 18 हैं। भैया अगर टायर चेंज करना है तो हमारे से कर लेना, हमारे में वैसे भी ऑल टेरेन है, आपको ग्रिप ज़्यादा मिलेगा। बाकी गाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा, जिस स्पीड पे गाड़ी को मैंने पैनिक ब्रेकिंग किया ना, मैंने पूरा ब्रेक प्रेस कर दिया था, पता नहीं लास्ट वीडियो में वो कितना कैप्चर हुआ, क्योंकि उस समय मेरा स्टेट ऑफ माइंड ही वही नहीं था कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ब्रेक एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुई। अगर यहाँ से मारा तो वहाँ पे जाके गाड़ी रुकी, लेकिन गाड़ी सीधे लाइन में थी, ऐसे ऐसे करके आपने बहुत बार देखा होगा ब्रेक मारते गाड़ी सांप बन जाती है, तो सांप नहीं बनी यार, एकदम परफेक्ट ब्रेकिंग था, ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं था, क्योंकि इतना रैंडम और इतना अचानक हुआ ना कि उस समय हम कुछ कर ही नहीं सकते, उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता था। सो गाइज, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर इन दिस वीडियो, लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट Budmo.com। सो Budmo.com इज द बिगेस्ट स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट इन इंडिया। इनके पास छोटी से बड़ी गाड़ी का स्पेयर पार्ट अवेलेबल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे जो स्पेयर पार्ट अपनी गाड़ी के लिए चाहिए वो सर्विस सेंटर या लोकल मैकेनिक शॉप पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो उस केस में मैं Budmo के साइट पे जाके अपनी गाड़ी का मॉडल और मेक सेलेक्ट करके वो स्पेयर पार्ट अपने घर पे डिलीवरी मंगा सकता हूँ। Budmo पे मुझे डिफरेंट
कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, और ये ऑप्शन मिलने से मेरे प्राइसिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सो मैं अपने हिसाब से अपने कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट कर सकता हूं और वो प्राइसिंग चेक करके वो पार्ट अपने घर पे मंगा सकता हूं। एक बार वहां से पार्ट ऑर्डर करने के बाद जब पार्ट मेरे घर पे आता है और मुझे समझ में नहीं आता है, तो दे हैव अ 10 डेज एश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी जहां पे 10 दिन के अंदर मैं वो पार्ट रिटर्न कर सकता हूं। सो boodmo.com iOS और Android दोनों के लिए अवेलेबल है। मैं boodmo का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, गो चेक इट आउट। चलो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ये ना नीचे काफी सारा सामान रखा है, इसमें भी फॉर्च्यूनर की तरह हैंडल है जिसको पकड़ के अंदर चढ़ना पड़ता है, और इधर अपने भैया बैठते हैं। ये आगे जी हम अंदर, सर यहाँ पे थोड़ा सा पैर रखने के लिए जगह, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्पेस नहीं मिलता है, बट इसके ऊपर आप पैर रख दो। भैया तो पलती वलती मार के बैठे हैं, और भैया इधर अपना आराम से चढ़ेंगे। हाँ, अगर दिक्कत हो तो यहाँ ये बैठा दो यहाँ पे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ पे बिछा के तो गड़ेगा ना नितंब में। हाँ वो क्या कहते हैं, तशरीफ में। हाँ ये गड़ेगा काफी। इसको नीचे कर देंगे। अच्छा इसको नीचे, अच्छा ठीक है। मैंने कहा लोहे के ऊपर ऐसे गियर में नहीं फंसता है ना ये। तो भाई भैया ने हमें ये दिया चना जोर गरम, कह रहे कि अभी तक हवा नहीं आ रहा है तब तक हम लोग ये खा रहे हैं चना जोर गरम, और भैया खा रहे हैं बिस्किट। ओ मस्त आराम से खाते हुए चल रहे हैं। अभी झांसी पहुंचे नहीं है अपन, झांसी वाले को शायद क्रॉस करके ग्वालियर वाले रूट पे आगे बढ़ेंगे। NH 44 पे ही रहना है अपने को, बट आगरा से दिल्ली वाला एक्सप्रेस वे नहीं लेना है, इंस्टेड अपन मथुरा होके जाएंगे, बिकॉज आगरा से दिल्ली इंटर करेंगे तो दिल्ली का अलग स्टेट पड़ जाएगा। अब ये कमर्शियल व्हीकल ट्रक है तो हम नॉर्मल वाले हाईवे से चलेंगे मथुरा होते हुए। भाई तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई है, भैया अभी हमें कुछ खाना खिलाएंगे। तो एक ढाबा दिखा है पीछे, बहुत दूर हम चल के आगे, ग्वालियर तो अभी और बहुत 250 किलोमीटर के करीब आगे है। तो यहाँ पे हम ढाबा खोजने के लिए तब से खोज रहे थे ढाबा, और फाइनली हमें पीछे एक ढाबा दिख गया वो वाला, तो वहाँ चलेंगे ढाबे पे खाने। बैग में ले लेता हूँ अपने साथ, ये बैग तो हमेशा ही साथ में रहता है। चलो बंद कर दो भैया गेट। चलो जी गाड़ी अपनी लोडेड है, यहाँ पे एक बार इसका स्ट्रैप भी चेक कर लेंगे खाना खाने के बाद। हाँ एकदम अंधेरा है भाई, भाई यहाँ पे हमने मटर पनीर बोला है तो 3 मटर पनीर और रोटी। लैपटॉप में चार्जिंग वार्जिंग का सारा ना, मैंने एक पावर बैंक निकाल लिया था तो मोबाइल उसी से चार्ज करो, बिकॉज सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी करनी है। कूलर है सामने, आराम से ठंडा हवा आ रहा है, मौसम भी आज ठंडा ही है। भैया ये अपना खाना, मटर पनीर एंड रोटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्याज, प्याज एंड सैलेड। अभी खाते हैं उसके बाद बात करते हैं, भूख लगी बहुत तेज सुबह से। आई थिंक दोपहर एक्सीडेंट के बाद तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। खाना सही था भैया, मज़ा आया ना पेट भर के? मैं तो पता है दोपहर के बाद कुछ खाया ही नहीं था एक्सीडेंट के बाद, तो बहुत मस्त खाना था अपन ने खाया, 340 हुआ। थैंक यू भैया, खाना मस्त था भैया आपका। भाई यहाँ से प्लान में आया ट्विस्ट, और हम जाएंगे फॉर्च्यूनर के अंदर ताकि हम पैर सीधा कर पाएँ, ताकि भैया भी आराम से पैर सीधा कर लें। भैया आप सो गए तो नहीं ना? अरे मजाक कर रहा था, अरे मजाक कर रहा था, भैया को छेड़ रहा था ना। 5 बजे के पहले नहीं सोएंगे। अच्छा 5 बजे 1 घंटा का ब्रेक लेंगे। ठीक है 1 घंटे आराम करेंगे। हाँ बिल्कुल भैया, पावर नैप अच्छा होता है। मैं आ जाऊँगा ना अभी थोड़ी देर में आगे। चल ओके भैया। हम फिलहाल आ गए फॉर्च्यूनर के अंदर, और अब इसके अंदर ही रहेंगे, और ये सामने अपनी गाड़ी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये लाल और पीला जल रहा है। तो क्या यार, क्या ही हो गया ना बताओ साला, गुड़गांव पहुंच ही नहीं पा रहे। गुड़गांव से निकले मुंबई अटक गए, मुंबई से निकले MP अटक गए, क्या हो रहा है यार। कुछ नहीं समझ में आता है कभी कभी, ऐसा लग रहा है जैसे पर्दा है घर का। ऐसा लग रहा है जैसे पर्दा है घर का, कपड़ा नहीं होता है भाई साहब, क्या तेज होता है यार। मतलब सीरियसली अगर आज मैं जिंदा बचा हूँ ना तो इसके वजह से, और मेरे नीस में चोट नहीं लगा ना तो इस नी एयर बैग की वजह से, ये वाला पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस नी एयर बैग की वजह से अलग अलग जगह पूरे पूरे गाड़ी में एयर बैग खुल गया भाई। ये खुल गया देखो, ये साइड में खुल गया, मतलब इतनी सही चीज ना, ये खुल गया पूरा का पूरा गाड़ी कवर्ड भाई, मार लो गाड़ी को, मतलब पूरा का पूरा रूफ तोड़ के एयरबैग पूरा खुल गया।
भैया आगे चलेंगे, अभी मेरे को पता नहीं है कि इस गाड़ी में कितना बॉडी रोल होगा, क्योंकि हम तो ट्रक के ऊपर है ना, सस्पेंशन पता नहीं क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। तो पीछे पीछे इसको थोड़ा साफ़ करेंगे, और चादर इधर ही है, तकिया इधर ही है, इसको अपना डाल के थोड़ा पैर फैलाएंगे। अब थोड़ा सा शीशा भी खोल देंगे, हल्का सा शीशा डाउन कर देंगे, क्योंकि अगर वेंटिलेशन नहीं रहेगा ना तो सफोकेशन होगा, और खुला खुला रहेगा ना तो ठीक है यार, उस पर ऐसे फंसा देते हैं, जूते खोल देते हैं, चप्पल निकाल लेना चाहिए था आज, शूज़ पहन के तो भाई कीचड़ वीचड़ में कहाँ ही पहनेंगे। ये देखो इसमें पार्क असिस्ट माल फंक्शन आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। भैया मेरी गाड़ी भी ईको पे थी, स्पोर्ट्स पे भी नहीं थी यार, ईको पे थी, क्या क्या ही बोला जाए यार। चलो कोई नहीं, जूता तो खोल लिया, शीशा वीशा तो नहीं गिरा है ना, पता नहीं यार, शीशा ऊपर से तो वैसे चनका नहीं है, बट ठीक है, अभी इसको थोड़ा शीशा पीछे का खोल देंगे ना, थोड़ा सा आगे का खोल देंगे, बस बारिश ना हो, बारिश होगी ना तब दिक्कत है। सो जी गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई है, और फिलहाल टाइम हो रहा है 11:24, 11:30 यहाँ से निकल रहे हैं, 250 किलोमीटर के करीब बचा है, क्या ग्वालियर, ग्वालियर के बाद फिर 100 किलोमीटर और आगरा, तो नेक्स्ट ब्रेक भैया कह रहे थे आगरा पे लेंगे, देखते हैं। मेरे को नींद आती है नहीं आती है, परेशान तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कि क्यों हो रहा है ये सब, क्यों कभी आज तक नहीं हुआ, और अभी अचानक से इतना अपनी किस्मत क्यों ख़राब है, जबर क्यों नहीं है, बट एक तरह से कहें तो किस्मत जबर थी, हो सकता है कुछ बड़ा हादसा होता बट वो टल गया। इसमें एग्जैक्टली ये वाली फीलिंग आ रही है ना, मैंने पैर मतलब ये विंडो पूरा खोल दिया है, एग्जैक्टली ऐसे फीलिंग आ रही है कि कोई उधर बैठ के ना गाड़ी चला रहा है, और मस्त विंडो खुला हुआ है, एसी तो चला नहीं सकते ना, तो ब्लोअर भी नहीं चला है, और ये ऐसे कर्टन लगा हुआ है। तो भैया इतना खेचम खेच भगा रहे ना भाई, मतलब यहाँ पे एक दो जगह तो ऐसा लगा, मैंने कहा भैया क्या कर रहे हो, क्या खा लिया, मटर पनीर तो मैंने भी खाया था भाई, गजब पेलम पेल चला रहे ना, वूं वूं करके ऐसे गड्ढों में ना, जब गाड़ी ये जा रही है तो इसका सस्पेंशन तो आप समझ ही जाओ, अब मेरी गाड़ी का सस्पेंशन इसमें ऐसे, मैं तो डुअल सस्पेंशन में बैठा हूँ, जैसे डुअल इसमें डुअल टर्बो लगा है ना फॉर्च्यूनर में, उसी तरह डुअल सस्पेंशन, लेकिन भैया का सस्पेंशन ऐसा है पूरी गाड़ी बच बच हिल रही है भाई। फिलहाल बज रहे हैं रात के 4:08, मतलब सुबह के, ओ भैया आराम से, अरे बाप रे बाप, ओ भैया जो रेलम पेल मचाए पड़े, अभी भैया आए थे नीचे उठाने, भैया इधर से सही जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमें आगरा एक्सप्रेसवे नहीं लेना है, क्योंकि उससे हम दिल्ली इंटर करेंगे, एक और बॉर्डर आ जाएगा, और हमें लेना है मथुरा वाला रोड, मथुरा से पलवल होते हुए सोना होते हुए सीधे हरियाणा, मतलब बेसिकली यूपी से सीधे हरियाणा इंटर करना है, दिल्ली इंटर नहीं करना है, तो वो मैंने भैया को रास्ता बताया। अरे बाप रे भैया जो कुदाए पड़े ना, जो मैंने पूछा भैया नींद तो नहीं आ रहा है, मैं इधर जब सो रहा था ना तो थोड़ा बीच में ना डर भी गया, मैंने कहा अरे भाई भैया क्या चला रहे यार, डर लग रहा है ना अभी, देखो वाजिब है डर लगना, वाजिब है डर लगना चाहिए, डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ का, और अगर आपको डर लगना बंद हो गया ना तो भैया फिर आप गलती करते हो, डर लगना चाहिए। क्या हुआ, जो गेट खोलो ना तो का? अरे ये नहीं खुलेगा गेट, हाँ ये नहीं खुलेगा ये गेट, उधर से लगा हुआ है ना। टाइम हो रहा है भाई ऑलमोस्ट 5:00, और 5:00 हमने एक जगह साइड में ट्रक लगा दिया है, तो अब ट्रक में ही सोएंगे, मतलब बेसिकली वो एक भैया नीचे सो जाएंगे एक भैया सीट पे सो जाएंगे, तो वैसा करके हो जाएगा। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:30, और अब आ रहे अपन आगे वाले सीट पे, क्योंकि अपन पहुंच गए पलवल, पलवल के पास पहुंच गए, और यहाँ से अपने को ये वाला रास्ता है, तो भैया ने एक बार मेरे को जगाया, भैया कैसा रहा रात का? अरे अरे बढ़िया चलाया आपने यहाँ, अरे पीछे जो झचके मार रही है गाड़ी, वन वन का क्या रोड खराब था? हाँ रोड खराब था, हाँ मैं कहा पता नहीं कैसे गजब चल रही थी गाड़ी भाई, भैया ने तो रात में गजब गाड़ी चलाया ना, ऐसे गूं गूं करके गाड़ी हिल रही थी भाई, गजब हिल रही थी, तो मिला जुला के ना मजा ही आ गया। पहली बार हुआ ना कि वो टोल वाले ने कहा कि इस गाड़ी का, हाँ अदरवाइज कहीं से भी टोल में ना उस गाड़ी का, मैंने उसका फास्टैग ऑलरेडी निकाल दिया था ना, तो दो दो बार फास्टैग रीड करता था, इसलिए ना गाड़ी चढ़ाने से पहले ही ना मैंने फास्टैग निकाल दिया था उसका।
जब 75 पहुंच जाएगा वहीं पेट्रोल पंप पे देख लेना। इस भैया ने बताया कि इसका जो टैंक है, अरे कितना ट्रक का आवाज है ना, तो इसका जो फ्यूल टैंक है उसका 100 लीटर का कैपेसिटी है, लेकिन भैया 80 लीटर डलवाते हैं। हमने कहा कि भैया हमारे फॉर्च्यूनर में भी 80 लीटर का आई है, ये 7.5 का एवरेज निकालती है अपनी, 10 से 12 के बीच में डिपेंडिंग ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल। हाँ, मजा आता है भैया इसको चलाने में, ऐसा लगता है कि रोड किंग। भैया कह रहे हैं कि इस रोड पे मेरे को जब से एमपी से निकले गाय नहीं मिली है, कैसा लग रहा है भैया? अच्छा लग रहा है। बिना गाय से डर लगता है आपको? लगता है, सभी को लगता है। कभी हुआ कभी आपके साथ गाय के साथ ऐसा मुठभेड़? हाँ हुआ, एक दो बार हुआ, लेकिन क्या है ज्यादा तेज नहीं भागते हैं। लेकिन ऐसे कहीं भी भाग जाती है, ध्यान से करना पड़ता है ना। हाँ भाई, तो ये है इधर आपको जानवर, एक्चुअली ये रोड बैरिकेटेड है, अभी केएमपी पे हम है तो ये रोड दोनों साइड से ना बैरिकेटिंग है, प्लस एलिवेटेड रोड है तो जानवर कम आता है यहाँ पे, ट्रक बाइक ये कार इनसे डर लगता है कि वो कहीं इधर उधर ना पड़ जाए। तो अभी केएमपी अपने को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि केएमपी में क्या है ना कि गाड़ी में डीजल नहीं है। देखो डीजल टैंक एकदम खाली पे आ गया है, ठीक है, चलेगा नहीं भैया इतना? 27 किलोमीटर नहीं चलेगा ना? बहुत देर से बोल रहा है। हाँ, तो यहाँ से एग्जिट कर लेंगे टुवर्ड्स दिल्ली, टोल बूथ आएगा और फिर वहाँ से जो डीजल टैंक है नेक्स्ट वो है अप्रॉक्सीमेटली 5.7 किलोमीटर्स, तो एग्जिट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इको मोड है ना ये? हाँ, तो इको में चल रहे हैं। हाँ, पावर में ज्यादा खाता है, तेल ज्यादा खाता है। हाँ, और इसका गियर देखो 5-speed मैनुअल है, इसका रिवर्स अलग लगता है, मतलब 1st गियर ना ऐसे करके इधर करके पीछे लगता है, जैसे नॉर्मली गाड़ियों में अपने साइड करके आगे लगता है, इसमें अपने उधर अपने से दूर करके पीछे लगता है। हाँ भैया, कभी भूल नहीं जाते हो गाड़ी चलाते हो? गाड़ी में तो अलग लगता है। हाँ, गाड़ी अलग, कभी रिवर्स मार दिया पीछे पता चला मैं खड़ा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेंटेन करते ऐसे रीडिंग के साथ कि कहाँ पे डीजल लिया। अच्छा, व्हील ग्रीसिंग। तो जी आ गए हम टोयोटा, MGF टोयोटा ये सामने है आगे, ये यहाँ पे रहेगी अपनी गाड़ी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो जी फाइनली इसको छोड़ के अब जा रहे हैं टोयोटा में, सारा सामान निकाल लिया है। आई होप ये गाड़ी हमें जल्दी मिल जाए और वापस उसी कंडीशन पे मिले, और ये प्रॉमिस है कि ट्रिप इसी गाड़ी से होगा। तो इस गाड़ी एक्चुअली अगर ये व्लॉग भी बन रहा है ना तो जस्ट बिकॉज कि मैं इस गाड़ी के अंदर था, कोई दूसरी गाड़ी रहती तो शायद इतना इम्पैक्ट झेल नहीं पाती। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो गिव इट थम्स अप चैनल पे, नहीं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे कल के एपिसोड।